वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस पहुंचे पीएम मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गर्मजोशी से पीएम मोदी का स्वागत किया। राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल के साथ पीएम मोदी का प्राइवेट डिनर, तीनों की साथ तस्वीरें सामने आई। पीएम मोदी ने व्हाइट हाउस में डिनर के लिए जो बाइडेन और जिल बाइडेन का जताया आभार, ट्वीट कर कहा हमारे बीच कई विषयों पर अच्छी बातचीत हुई। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को दिया स्पेशल गिफ्ट, चांदी से बने भगवान गणेश की मूर्ति और दिया गिफ्ट किया। पीएम मोदी ने जो बाइडेन को चांदी की 10 छोटी डब्बियां भी गिफ्ट की, 10 डब्बियों में अक्षत, घी, गुड़ और तिल समेत 10 दान दिए। पीएम मोदी ने जिल बाइडेन को भी गिफ्ट किया, 7.5 कैरेट का ग्रीन डायमंड गिफ्ट किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी पीएम मोदी को गिफ्ट्स दिए, बाइडेन ने अमेरिकी पुस्तक गैली गिफ्ट में। फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने भी पीएम मोदी को दिया खास तोहफा, मशहूर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता संग्रह के प्रथम संस्करण की कॉपी उपहार में दी। पीएम के सम्मान में व्हाइट हाउस में हो सकता है गरबा कार्यक्रम, सूत्रों के मुताबिक राजकीय भोज के दौरान होगा गरबे का आयोजन। व्हाइट हाउस में मुलाकात के बाद पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की तस्वीर आई सामने, एक दूसरे से गर्मजोशी से हाथ मिलाते दिख रहे हैं दोनों नेता। व्हाइट हाउस में जी मीडिया की टीम भी मौजूद, व्हाइट हाउस के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने। अमेरिका दौरे के दूसरे दिन न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ होगी द्विपक्षीय बैठक। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की द्विपक्षीय बैठक पर दुनिया की नजर, आज अमेरिकी कांग्रेस को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को दूसरी बार संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री, ऐसा करने वाले पीएम मोदी एकमात्र भारतीय नेता होंगे। वॉशिंगटन डीसी के संयुक्त बेस एंड्रयूज में बच्चों ने फूल देकर किया मोदी का स्वागत, एयरबेस पर दोनों देशों के राष्ट्रगान भी बजाए गए। वॉशिंगटन डीसी के एयरबेस पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का हुआ ग्रैंड वेलकम, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एयरबेस से वॉशिंगटन डीसी के होटल इंटरकॉन्टिनेंटल विला में पीएम मोदी का स्वागत, प्रवासी भारतीयों ने जोरदार स्वागत किया। होटल के बाहर भारतीय समुदाय के लोगों ने किया स्वागत, पीएम मोदी को देखकर लगाए भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे। होटल इंटरकॉन्टिनेंटल विला के बाहर जुटे प्रवासी भारतीयों से मिले पीएम मोदी, जोरदार स्वागत के लिए किया गया अभिवादन। होटल में स्वागत के लिए खड़े लोगों से प्रधानमंत्री मोदी ने मिलाया हाथ, बच्चे की टी शर्ट पर दिया ऑटोग्राफ। पीएम मोदी के स्वागत में वॉशिंगटन में दिखी भारतीयता की झलक, ढोल बजाकर प्रवासी भारतीयों ने किया ग्रैंड वेलकम। वॉशिंगटन डीसी में पीएम मोदी को लेकर दिखा जबरदस्त उत्साह, भारतीय प्रवासियों ने किए सांस्कृतिक नृत्य। अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन से मिले पीएम मोदी, वर्जीनिया के अलेक्जेंड्रिया में नेशनल साइंस फाउंडेशन का किया दौरा। वर्जीनिया में प्रधानमंत्री मोदी ने साइंस इवेंट में हिस्सा लिया, अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन भी रही मौजूद, पीएम ने शिक्षा से जुड़ी भारत की उपलब्धियां गिनाई। वर्जीनिया में नेशनल साइंस फाउंडेशन में बोले पीएम मोदी, आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करना हम सभी का दायित्व। साइंस इवेंट में पीएम ने भारत की गिनाई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की उपलब्धियां, कहा एआई, ब्लॉकचेन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लोगों को प्रशिक्षित कर रहा है भारत। नेशनल साइंस फाउंडेशन को जिल बाइडेन ने भी किया संबोधित, कहा शिक्षा भारत और अमेरिका के बीच बंधन की आधारशिला, दोनों देशों के छात्र एक दूसरे से सीख रहे हैं। नेशनल साइंस फाउंडेशन कार्यक्रम के बाद फोटो सेशन, पीएम मोदी के साथ जिल बाइडेन ने खिंचवाई तस्वीर। व्हाइट हाउस के अंदर पीएम मोदी और बाइडेन की मुलाकात की तस्वीरें, दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया। प्रधानमंत्री मोदी के डिनर का मेन्यू भी आया सामने, पीएम के डिनर में मिलेट्स को भी शामिल किया गया। पीएम के डिनर पर जिल बाइडेन ने दी जानकारी, कहा पीएम मोदी के लिए शाकाहारी खाने का हुआ इंतजाम। पीएम के डिनर टेबल को केसरी रंग के फूलों से सजाया गया, भारतीय संस्कृति से प्रेरित गानों की परफॉर्मेंस भी होगी। डिनर के लिए कैलिफोर्निया से शेफ को बुलाया गया, प्लांट बेस्ड शेफ से खाना बनवाया जा रहा है। सैन्य विमानों के जेट इंजन बनाने वाली कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ से भी प्रधानमंत्री मोदी ने की मुलाकात।
अमेरिका में एमएनसी कंपनियों के बड़े अधिकारियों से मिले पीएम मोदी। माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ संजय मेहरोत्रा से मुलाकात की तस्वीरें सामने आई। पीएम से मिलने के बाद सीईओ मेहरोत्रा ने की पीएम की तारीफ, कहा हम भारत में अच्छे अवसरों की आशा करते हैं। अमेरिकी कंपनी अप्लाइड मटेरियल्स के सीईओ ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में काम करती है यह कंपनी। पीएम से मुलाकात के बाद कंपनी के सीईओ ने भारत के साथ काम करने की इच्छा जाहिर की, कहा यह भारत का समय है। पीएम मोदी ने दुनिया को दिया योग का संदेश, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यूएन हेडक्वार्टर में किया योग। पीएम मोदी ने की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम की अगुवाई, 180 देशों के प्रतिनिधियों के साथ किया योग। संयुक्त राष्ट्र में योग दिवस कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, योग भारत से आया लेकिन ये कॉपीराइट फ्री है, योग का अर्थ है सभी को जोड़ना। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा योग सभी को करता है एकजुट, ये हमारी पुरानी संस्कृति। योग दिवस पर पीएम मोदी ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, बापू की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। योग कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग, हॉलीवुड अभिनेता रिचर्ड गेयर, न्यूयॉर्क के मेयर शेफ विकास खन्ना जैसी हस्तियां शामिल हुई। कार्यक्रम का आयोजन यूएन के नॉर्थ लॉन के गार्डन में हुआ, इसमें न्यूयॉर्क के मेयर, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कोरोसी ने भी हिस्सा लिया। योग कार्यक्रम के बाद बच्चों से मिले प्रधानमंत्री मोदी, प्रधानमंत्री ने बच्चों के साथ खिंचवाई तस्वीरें। यूएन में योग कार्यक्रम में बना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक साथ सबसे ज्यादा लोगों ने योग किया, पीएम मोदी को किया गया सम्मानित। ओडिशा में सेंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक का योग दिवस पर खास ट्रिब्यूट, पूरी बीच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योग करते हुए बनाया चित्र। Zee News.